नहीं, सिकंदर को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कॉन्सर्ट में हमारा गाना गाएगी और किसी और की आवाज़ इस्तेमाल की जाएगी, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉकिंग है इसके लिए। दैट्स व्हाई ही इज़ रिएक्टिंग टुडे। एक रिलेशनशिप में एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ, तब जाके रिलेशनशिप बनता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। और कब से सिकंदर एक एफर्ट करा जा रहा है अपनी बीवी से, बहुत चीज़ें इग्नोर करता है, बहुत चीज़ों के साथ यू नो सैक्रीफाइसेस करता है बहुत, तो अभी वो एफर्ट वो देख रहा है एक ही तरफ से हो रहा है और बार बार उसको लवली धोखा देती है, तो अभी वो फाइनली कहीं ना कहीं टूट जाता है। उसको लगता है कि यार अब बस, नाउ आई विल टेक अ स्टैंड, आई विल टेक अ स्टैंड बिकॉज दिस इज़ गोइंग नोवेयर। वो बार अब क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको दुख है अमायरा का करियर ख़राब करने के, वो अमायरा का करियर ख़राब हो जाएगा ना कि अगर आप अमायरा को किसी और की आवाज़ इस्तेमाल करके अमायरा को स्टेज पर गवा दोगे पूरी दुनिया के सामने, वो भी सिकंदर सिंह गिल की बेटी किसी और की आवाज़, ऑब्वियसली विल बी हार्ट ब्रोकन। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, अभी अभी मनाने वाला स्टेज चले जाएगा मेरे ख्याल से, अभी तो होगा कि सिकंदर विल टेक अ स्टैंड, और सिकंदर हमेशा मनाता ही रहा है और हमेशा खुश करने की कोशिश एफर्ट करता ही रहा है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अभी वो नहीं ले रहेगा। अब उसने क्योंकि बहुत कोशिश कर ली, उसने धोखा दिया, इतनी बड़ी चीज़ कर दी पूरी दुनिया के सामने, हमारे को गवा दिया जिसके लिए वो कभी नहीं तैयार ना था। उसने कहा था अभी 10 साल जाएंगे, उसको रियाज करना है, उसको मेहनत करनी है, उसने सुना ही नहीं, उसने करा दिया। अब नहीं होगा, अब वो मनाने में तो नहीं जाएगा सिकंदर, आई एम श्योर, बट ही टेक अ स्टैंड नाउ। अमायरा को अब अपने तरीके से अपना कल्चर देगा वो। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स द जर्नी इज़ जस्ट स्टार्टेड, अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और आप लोगों ने अभी से इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच, और आगे ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हमारा शो टॉप 5 हो गया है और नंबर 1 बनना है, वी डिज़र्व इट एक्चुअली, एंड आई थिंक वी डिज़र्व इट बिकॉज the show deserves it, everybody is working so hard, I can't tell you, so I think we all deserve to be number 1 and we will be. Thank you.